आधार ड्राइविंग लाइसेंस लिंकिंग व्हाट यू नीड टू नो इन हिंदी। आधार ड्राइविंग लाइसेंस लिंकिंग ऐसे समय में जब निजी दस्तावेजों के साथ आधार को जोड़ना कड़ी आलोचना का विषय है, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जल्द ही एक कानून लाया जाएगा। सब्सक्राइब द ऑनलाइन वाले बाबा चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नेवर मिस द लेटेस्ट वीडियोस बाय अस। जबकि सरकार आधार ड्राइविंग लाइसेंस को अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून लाने की योजना बना रही है, व्यक्ति इसे स्वेच्छा से आपके राज्य या UTRTO की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। हाइलाइट्स: यह लाइसेंस धारकों की बेहतर पहचान में मदद करेगा। इस कदम से ड्राइविंग लाइसेंस के दोहराव से बचने में मदद मिलेगी। जबकि ड्राइविंग लाइसेंस और आधार को जोड़ने की योजना पिछले साल प्रस्तावित की गई थी, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार 6 जनवरी को घोषणा की कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर देगी। लोकसभा में आधार संशोधन विधेयक पारित होने के कुछ दिनों बाद इस प्रस्ताव की घोषणा कानून मंत्री द्वारा की गई थी। प्रसाद ने कहा कि आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को अनिवार्य रूप से जोड़ने के लिए जल्द ही एक कानून लाया जाएगा। ऐसे समय में जब व्यक्तिगत दस्तावेजों के साथ आधार को लिंक करना गंभीर आलोचना के अधीन है, यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जिन्हें आपको नए प्रस्तावित कानून के बारे में जानना चाहिए। नकल से बचना: ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करने के सरकार के इरादे के पीछे एक प्रमुख कारण लाइसेंस के अवैध नकल पर नकेल कसना है। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों RTO से संपर्क करके डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करना आसान है। यह सरकार के लिए चिंता का विषय है क्योंकि बहुत से लोग दस्तावेज का दुरुपयोग करते हैं। बेहतर पहचान: सरकार का दावा है कि इस कदम से लाइसेंस धारकों की पहचान करने में काफी मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, दुर्घटना करने के लिए दोषी व्यक्ति अक्सर दृश्य से भाग जाता है और उसे दूसरा डुप्लीकेट लाइसेंस मिल जाता है। हालांकि आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने से ऐसे मामलों में आसानी से पहचान हो सकेगी। प्रसाद ने कहा, आधार लिंकेज से आप अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन अपने बायोमेट्रिक्स, आइरिस या फिंगरप्रिंट्स को नहीं बदल सकते। जिस क्षण कोई डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करता है, सिस्टम स्पष्ट रूप से अधिकारियों को सूचित करेगा कि वह व्यक्ति को दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस जारी न करे। जुर्माने का भुगतान: आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा होने से यह भी सुनिश्चित होगा कि लोग अपने नाम के तहत जारी जुर्माना अदा करेंगे। अब तक बहुत से लोग या तो लंबी अवधि के लिए दंड का भुगतान करने से बचते हैं या ठीक राशि बहुत अधिक होने पर नया लाइसेंस बनवा लेते हैं। आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने से ऐसे मामलों को सुलझाने में भी मदद मिलेगी। कैसे लिंक करें? जबकि सरकार आधार ड्राइविंग लाइसेंस को अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून लाने की योजना बना रही है, व्यक्ति इसे स्वेच्छा से आपके राज्य या UTRTO पर जाकर कर सकते हैं। वेबसाइट पर एक बार आपको लिंक आधार विकल्प का चयन करना होगा। उसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना होगा और विवरण प्राप्त करना होगा। एक बार जब आपका विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है, तो लिंक किए गए मोबाइल नंबर के साथ 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। एक बार हो जाने के बाद प्रक्रिया को रीकरने के लिए